हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू फ्रैंकिस्तान। आ गए टाइटल पढ़कर? ऑफ कोर्स आना ही था। आईफोन आईफोन आईफोन, एप्पल लवर्स असेंबल हो जाएं। तो आज डिस्कस करेंगे एप्पल के सितंबर इवेंट, जो कि आज ही रात को है। क्या एक्सपेक्ट करें? ऑफ कोर्स आपको पता है आईफोन्स आएंगे, पर क्या स्पेक्स होंगी? र्यूमर्स के अकॉर्डिंग, हम र्यूमर्स के बेसिस पे बताएंगे। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आईफोन से स्टार्ट करेंगे। आईफोन 14 लाइनअप, जो स्टैंडर्ड लाइनअप रहता है अपना, एकदम 13 का डिट्टो कॉपी बोल लो यार, सेम ही है। तो वही 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 में होगा 6.1 इंच का स्टैंडर्ड जो डिस्प्ले होता है, ओलेड डिस्प्ले, और इस बार 60 हर्ट्ज की जगह 90 हर्ट्ज, ये र्यूमर्स आ रहे हैं फिलहाल। कुछ श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 90 हर्ट्ज हो तो बेटर है, और कुछ नहीं। हाँ, और सेम कैमरा सेटअप जो पिछले साल था आईफोन 13 लाइनअप में, सेम 12 प्लस 12 प्लस 12। और इस बार एक चीज़ सेम और है, और मेन चीज़ है वो है प्रोसेसर, उनका चिपसेट A15 बायोनिक, जो आईफोन 13 का है वो आईफोन 14 में वही दे रहे हैं, जितना अभी तक हमें पता लगा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। होपफुली A16 देते तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन कोई नहीं, A15 भी बहुत पावरफुल चिपसेट है, यू नो। और चार्जिंग के बारे में बात करूँ तो 20 वॉट ही है अपनी नॉर्मल जो होती है। हाँ, चार्जिंग इसमें बढ़ा नहीं रहे, प्रो मॉडल्स में बढ़ा देंगे, स्टैंडर्ड रख रहे हैं इसमें। बैटरी हेल्थ ऑफ कोर्स इम्प्रूव करेंगे वो उस हिसाब से। हाँ, और इसके बाद आएगा मिनी, नहीं मिनी नहीं आएगा ना, आएगा मैक्स। तो जितने भी लोग सोच रहे थे कि भाई मिनी लेंगे मिनी लेंगे, जिनको कॉम्पैक्ट फ़ोन पसंद है ऑफकोर्स, तो वो भूल जाएं, वो आईफोन 13 मिनी पे जाएं। तो 14 में उन्होंने मिनी कैंसिल कर दिया, मैक्स आएगा, बड़ा फ़ोन आएगा, 6.7 इंच जो अपना स्टैंडर्ड रहता है मैक्स का, वही सुपर XDR OLED पैनल जो आता है, A15 या A16, 15 की पॉसिबिलिटी लग रही है, 15 के साथ आएगा वही 90 हर्ट्ज, और कैमरा सेटअप सेम रहेगा वही आईफोन 13 वाला, और बैटरी इम्प्रूव ऑफ कोर्स, जो स्टैंडर्ड 14 होगा उससे इम्प्रूव होगी, बड़ी स्क्रीन है तो बड़ी बॉडी है, बैटरी ज़्यादा, और स्टैंडर्ड चार्जिंग होगी वही जो चार्जिंग होती है 20 वॉट्स की, और वायरलेस चार्जिंग तो ऑफ कोर्स होगी। और अब बात करते हैं प्रो मॉडल्स की, मेनली प्रो पे फोकस रहता है सबका कि भाई प्रो चाहिए, टॉप हाई एंड गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, सब होता है प्रो मॉडल में, तो इतना केपेबल तो है इसलिए सब प्रो पे जाते हैं। प्रो की बात करें तो जो भी नॉच थी, नॉच जा रही है, नॉच बोल दो बाय बाय टाटा, नॉच की जगह आ रहा है पिल शेप्ड कटआउट, एक कैमरा कटआउट होगा, और एक वही अपना फेस आईडी की जगह, जो नॉच में फेस आईडी था ना उसका मैकेनिज्म, वो उस छोटे से कटआउट में डाल देंगे। थोड़ा वियर्ड लग रहा है, पर अब क्या करें, इसी से काम चलाना पड़ेगा, तो वो ला रहे हैं नॉच की जगह। और स्क्रीन में, हाँ स्क्रीन में थोड़ा डिफरेंस है ऑफ कोर्स, स्क्रीन ला रहे हैं 6.1 इंच की होगी प्रो की, आईफोन 14 प्रो की, 120 हर्ट्ज होती थी प्रोमोशन डिस्प्ले पहले 13 प्रो मॉडल्स में, 120 हर्ट्ज दे दी थी उन्होंने, लेकिन इस बार र्यूमर्स है 165 हर्ट्ज भी हो सकती है, जो कि बहुत, ई स्पोर्ट्स में तो भाई तबाही मच जाएगी, सब वही लेंगे 165 हर्ट्ज में क्या FPS आएगी यार, बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ डिस्प्ले हो जाएगी वही। और ऑल न्यू ऑफ कोर्स A16 बायोनिक चिपसेट एप्पल का, वो तो आना ही आना है। कैमरा की बात करें, कैमरे में 48 मेगापिक्सल का नया सोनी का सेंसर आएगा, जितना अभी तक पता लगा है सोनी का नया, बाकी देखते हैं, सोनी का ही आना चाहिए। और साथ में 12 प्लस 12 सेम रहेगा, और फ्रंट कैमरा भी मैं बता देता हूँ इम्प्रूव होगा, पहले आई गेस 12 ही आता था फ्रंट,
अब शायद 20 प्लस कर दे या 20 ही रखें, ये रूमर्स आ रहे हैं फिलहाल। और बिगर बैटरी ऑफ कोर्स, बैटरी बहुत इंप्रूव होगी, 13 के लाइनअप में आपको पता ही है, 12 के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया बैटरी थी 13 में, लोगों ने काफ़ी 13 इसलिए ही परचेज किया था बैटरी की वजह से, बहुत बढ़िया बैटरी दी थी। तो इसमें और ऑफ कोर्स इंप्रूव्ड होगी बैटरी, इसमें बैटरी 30 वॉट होगी, 20 स्टैंडर्ड होती है पर अब बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं भाई 30 वॉट दो, तो 30 वॉट भी यार एंड्रॉयड यूज़र को पता है कुछ नहीं होती यार, 150 वॉट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आईफोन के अकॉर्डिंग ठीक है ये, चलो हो जाएगा अपना फ़ोन चार्ज एक घंटे में तो ठीक है, 30 वॉट हो जाएगी। और प्रो मैक्स की बात करें तो 6.1 इंच की डिस्प्ले होगी, मैक्स हो तो सीधी बात है बड़ी डिस्प्ले और बड़ी बैटरी लाइफ, दोनों चीज़ें बड़ी। तो प्रोमोशन डिस्प्ले वही 160 हर्ट्ज़ तक हो सकती है, 120 भी हो सकती है यार, मैं पता नहीं है ना, सीधी बात है, अभी र्यूमर से बिलीव कर रहे हैं सब भाई, लोग खुश हो रहे हैं 165 दे देंगे, ले देंगे, क्या पता 120 दे दें, लेकिन वो भी बहुत है यार, एप्पल के ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से ठीक है, बिगर बैटरी होगी और 30 वॉट चार्जिंग होगी, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी चार्जिंग स्पीड। और कलर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड कलर्स रहेंगे, और नॉर्मल मॉडल में जो आते थे ग्रीन, ऑल न्यू ग्रीन आया था अभी, सिल्वर जिसको वाइट बोल लो आप, ब्लैक, रेड और अपना ब्लू, ये कलर होंगे। और ऑफ कोर्स प्रो लाइनअप में जो होते हैं ग्रेफाइट, सबका फेवरेट कलर ग्रेफाइट, गोल्ड, सिल्वर या वाइट जो भी बोल सकते हो आप। और एक ऑल न्यू कलर आ रहा है पर्पल, बहुत ही शाइनी पर्पल, मैंने जितना देखा है इमेज में उस हिसाब से बता रहा हूँ, शाइनी पर्पल आ रहा है। और हाँ, ये था आईफोन का, आईफोन के बारे में इतना ही पता है। अब बात करते हैं एप्पल सीरीज 8 की, ये भी रूमर्ड है कि आज के इवेंट में ही लॉन्च हो जाए, उस हिसाब से थोड़ा सा 8 में इम्प्रूवमेंट होगा, कि पहले जो फीचर्स थे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और बड़ी डिस्प्ले, ये थोड़ा इम्प्रूव करेंगे या थोड़ा तो डिस्प्ले बढ़ाएंगे यार। और हाँ, और भी फीचर आ सकते हैं, फीचर अभी कोई बताए नहीं है, लेकिन हाँ वो तो इवेंट में पता चलेगा यार। और एक और एप्पल के एयरपॉड्स, जो म्यूज़िक लवर्स हैं भाई उनके लिए एयरपॉड्स प्रो 2 र्यूमर्ड हैं, अब देखो क्या नए फीचर देंगे, क्या प्राइस पॉइंट पे आएगा, वो तो सब बात की बातें हैं, जब लॉन्च हो जाएगा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्राइसिंग आई है इंडिया के अकॉर्डिंग, ऑफकोर्स इंडिया में महंगा रहता है, कितना महंगा रहेगा उस हिसाब से मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगा आफ्टर द लॉन्च इवेंट। तो ठीक है, आज के लिए बहुत हो चुका है, डिटेल्स काफ़ी दे दी हैं, र्यूमर्स दे दी हैं, जो भी बोल लो आप, तो देखते हैं, जो भी आईफोन लवर्स हैं सब देखेंगे ही इवेंट को साथ में बैठ के। तो ठीक है, ये वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मिलते हैं गाइस, सी यू।